हेलो दोस्तों, नमस्कार। पलाक और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सुनीता राहुल सेठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह पर। तो आइए दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने गांव से, दीदी लोग के साथ से और सासू माँ के साथ से। चाची लोग सभी यहाँ पे हैं, तो इन्हीं के साथ आज स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा इनू को मुख गलत देख लेला तुम लोग, रोज मेरा मुख देख फिर की कर है। मौसी ने अपनी बहू के लिए बनाई है, कौन सी बहू के लिए बनाई है बताओ? भावना चाची, जो हमारी छोटी सास है उनके लिए मड़ुए की रोटी की मोटा जाएगी दुबली हो गई करके। हैं? किसकी बकरी है? शीला देवी की बकरियां। तो दोस्तों शीला चाची की बकरियां आ गई है, देखो उनके मुंह के सामने खड़ी हो गई है। हाँ, दूध पिलाने लग गई है अपने बच्चों को। सिबो भूख लगी होगी उनके बच्चों को फिर। हाँ, ओजा क्या छनियो पूजा मौ गए। ये कितने प्यारे प्यारे डॉगी है यार, मैं ले जाती हमारे घर में एक है। हाँ, इतना बड़ा तो बिल्ला हो रखा है हमारे घर में। और इनको ये नीचे इधर उधर भाग जाएंगे करके इन्होंने लैट्रिन के छत में बैठा रखा है। दगड़ियो अब हल्दान फोन करना पड़ो। हाँ, आम हूँ गाधी आश्रम बड़ी धोती मंगोन छवल। हाँ, जाड़ हूँ भगो आजकल। अरे आमा कुर्ता प्लाजो दीदी उन चलो लो कुर्ता पजाल ना पकोन पकोन इन चीज की होने सी। अरे मोट मोट चांदने मोट मोटी होय ठीक छ मोट मोट धोचे। यो सासू माँ तो घर में के खून बड़ा वायर के का भेर पहले भज भेर ये आ गई। मतलब आजकल सासू देखो दिमाग बुआरी हला ज्यादा तेज है री। पलाक पलाक ये बड़ी चाची वो छोटी चाची दोनों प्याज को गोड़ गाड़ के लहसुन गोड़ के पानी पनिया रहे हैं। होय बड़ी हरी हो घिन्न ना हरे तुम ना बड़ी हरा हा लहसुन ना बड़ी हरो होय मिला बड़ी हरी हूँ सब बढ़िया। ये माल्टा यो ब्लॉक प्रमुख घर पे तो दोस्तों मैं आ गई हूँ गांव से घर। अब चाची कह रही नींबू सान लेते हैं करके। देखो उधर धूप पहुंच गई है, अब अंधेरा होने वाला है। और अभी चाची कह रही नींबू सानते तो भैया लग जाते हैं। तो दगड़ियों नींबू सान लिया है, धूप चली गई है। हाँ, और उस दिन तो कड़वा हो गया था, आज तो मैं गई नहीं भैया, मैंने कहा आज यहीं बैठे रहती हूँ। उस दिन कड़वा नींबू खा, आज तो नया ताजा बना हुआ फ्रेश खाती हूँ। ये बड़ी ड्यूटीफुल है रोबल। ये देखो मेरे लड़के चटोरे को पूरी कटोरी चाट दी इसने। डुगो अच्छा लग रहा है ना? ना खा क्यों रहा फिर है? कटोरी चाट क्यों रहा है? तो भैया पहुंचाने जा रही हूँ ताई जी के साथ सीढ़ी यहाँ घर आके। ताई जी को पाइप लागना वाला, आज हमार पाइप तो फट गया पानी के रत्ता ही। रात वो रहने ना पाल ना वो पाइप छत में ओपन छन लाइन जिसके तुम न डाल लाग छत में है वही प्लास्टिक का पाइप सी फट गयो। क्या कहते हैं चाची गोद लेके आई है। हाँ बच्चा गोद लेके आई है, आज उसको देखने जा रही हूँ मैं कैसा लेके आई है। तो दोस्तों जिसका इंतजार था वो इंतजार हो गया खत्म। अब मैं दिखाने वाली हूँ चाची किसको लेके आई है गोद। टन टन ये वाह वेरी गुड। क्या नाम रखा इसका? नवान नहीं कर रही है ये। पार्टी होगी जिस नवान होगा ना बाप। हाँ पंडित को बुलाएंगे बस सूर्य को नवान रखेंगे। हाँ पंडित जी को बुलाएंगे बस नाम फिर रखेंगे बस तब तक हम भी सोच लेंगे नाम। हाँ ए जूते क्यों दिखा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? यो देखो एक बेशरम वहाँ स्कूल से आके जूते दिखा रहे हैं जिनको शर्म ही नहीं है। सब लोग देखना, इनके दोस्त भी देखना, सब लोग देखना इनको देखो और कमेंट करना फिर तुम्हें शर्म नहीं है करके। तो चाची बहुत प्यारा सा बाबू लेके आई है। हाँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, बहुत क्यूट लगा। उसका नामकरण वाले बाद में करेंगे। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या काम किया करके। हाँ ये और करना है, मतलब छान के आई हूँ। और लड़का मेरा अभी रोटी खा रहा है 4 बजे, दोनों चाची भतीजा 4 बजे खा रहे हैं, इन लोगों ने चावल नहीं खाए इसलिए। और अब दिखाती हूँ मैं आप लोग को मेरा काम। तो आज मैंने इतनी रेत छानी है दोस्तों। हाँ हाँ ये और वहाँ से मतलब कितनी आज मुझे लेबरी करनी पड़ी यहाँ से यहाँ तक। ये देखो यहाँ पे रेत है, यहाँ से छान के वो उधर पहुँचानी पड़ी टब ही टब। और ये मैंने
ये वाला काम कल किया था, ये कट्टे कल भरे थे। हाँ अब कट्टे ही नहीं है तो टब से ही सारना पड़ रहा है, और इतनी सारी और रेत है, पता नहीं कब छान पाऊंगी यार। दोस्तों इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ। हाँ रेत छाननी है तो पहले जूते पहन के आती हूँ, उसके बाद सारूँगी अंदर को। तो दोस्तों चाय और क्रीम बंद तो खा दिया है मैंने यहाँ, और फिर से टाइम आ गया है कि मतलब रेत छानने का, लेबरी का। हो गई है रात और मेरी लेबरी भी ख़त्म हो गई है, और बहुत ज़्यादा काम आज कर लिया है, तो अब चल देते हैं अंदर की तरफ हैं। और बहुत ठंडा लगने लग गया है, तो 6:30 बज गए शाम के, अब दुकान वगैरह क्लोज कर लेते हैं, चलते हैं अंदर को। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।